सारा कंटेंट खराब कर एक मैं चीज़ बताता हूँ, ये मेरे को आज तक पता नहीं चला, ऐसे ऐसे करके पास से बंदे का फेस घोड़े की तरह क्यों लगता है। हेलो गाइस, स्वागत है अपने के प्यारे से ब्लॉग में। और तो आज है महाशिवरात्रि, तो मेरी तरफ से सभी को महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। बाकी ये ब्लॉग थोड़ा लेट आएगा उसके लिए सॉरी। अभी चलते हैं, अभी थोड़ा टाइम मैं थोड़ा सा लेट हो गया हूँ क्योंकि आपके लिए मैं अच्छे से वीडियो एडिट कर रहा था, तो इसलिए थोड़ा सा मुझे लेट हो गया, बट कोई बात नहीं। अभी हम निकलते हैं यहाँ से और चलते हैं, आपको दिखाते हैं आज उधमपुर में देविका कितनी बढ़िया लग रही है। वहाँ पर हमारे कुछ फ्रेंड्स हमारा वेट कर रहे हैं, तो आज के ब्लॉग में आपको धमाल दिखने वाला है, बिल्कुल बवाल होने वाला है। आज हम ट्राई करेंगे, आपको थोड़ा सा मोटर ब्लॉग करेंगे और दिखाते हैं आपको देविका किस तरह से सजाई आए। तो मैं थोड़ा सा लेट होगा, तो मुझे काफ़ी तक कॉल भी आ चुके हैं मेरे फ्रेंड्स के कि बोल रहे जल्दी आ, कहाँ पे है, मैं तो आ रहा हूँ। गाइस देखो फाइनली हम पे मंडा वगैरह लगा हुआ है का, और मैं इधर आ गया हम बाहर। बाकी अभी हमारे फ्रेंड्स नीचे उनका वेट कर रहे हैं, तो हम उनके पास चलते हैं। कब से फ़ोन किए जा रहा है, कब से फ़ोन किया जा रहा है, पर आपको दिखाता हूँ। गाइस तगड़े हिसाब का रश पड़ गया एकदम भयंकर, मैं आपको ऊपर से आता हूँ, मेरे पास ड्रोन नहीं है इसलिए मैं दिखा नहीं सकता आपको, बट भाई तुम्हारा जुगाड़ करेगा फिर दिखाएगा तुम्हें। देखो कितनी ज्यादा भीड़ है इधर से लेके उधर, बाकी जेरे अपने भगवान से जी। जो मेन क्वेश्चन ये है देविका की उधमपुर में, तो बाकी ये देखो मैं चार, मैं सोचता हूँ काश मेरे पास ड्रोन होता तो तगड़ी आपकी फुटेज आती आज। गाइस वो चेक करो यार क्या मस्त लग रहा है। यार ज्यादा अच्छा ही सजाया इन्होंने, कुछ ज्यादा ही अच्छा लग रहा है। ओह माय गॉड, लेट्स फाइंड सम फ्रेंड्स। देखिए इधर को शिव जी की मूर्ति दिखाता हूँ, इतनी कैंड है ना कसम, इतनी बड़ी मूर्ति है कसम। आपने देखा होगा, कभी ना कभी देखा होगा, पर मैं आपको दिखाता हूँ। बाकी अभी आपको फ्रेंड्स दिखाता हूँ कहाँ है वो लोंडा जिसके साथ हमें ब्लॉग शूट करने आज का। ये बात आ गया मेरे चम्मी, ये बात भाई, ये मेरे चम्मू आ गए। ओए क्या हो गया, एक मिनट इस बंदे की वीडियो आज तक एडिट नहीं हुई है। और वो वीडियो मेरी नहीं हुई, तूने बनाई है ठीक है। कहाँ जा रहा है, इधर कैसे लग रहा है गाइस, बताना कैसे लग रहा है भाई तुम्हारा, क्या छपरी छपरी ऑन द चैट हो जाए गाइस। जितना मर्जी ब्लैक व्हाइट कॉम्बिनेशन लगा के आ जा, ले दिखा चल, तो तेरा बहुत ज्यादा हैंडसम कौन लग रहा है ये, जा जा मैं और दिखाना यार, तू करना शॉट यार, इधर से करना, इधर लाइट उधर से आ रही है ना, क्या भाई ये कॉम्पिटिशन बना गया है, इसका मतलब ये नहीं कहा यार आपसे हैंडसम लग रहा है, हैंडसम लग रहा है भाई मैं लग रहा ना। देखो सीधी सी बात है, तुम क्या बोल, बंदर के हाथ में अदरक पकड़ा दो, अच्छा उसको कोई पता नहीं चलेगा क्या चीज है, ठीक है अदरक कौन है, अदरक अब अदरक कौन है, अदरक शर्ट बना लेगा रहेगा ये चुचुंदर ही। जो मर्जी हो जाए भाई, तुम्हारे कॉम्बिनेशन में फर्क है, बट कॉम्बिनेशन भाई स्मार्ट स्मार्ट स्मार्टनेस की मिसाल, स्मार्टनेस की मिसाल, ठीक है कौन से स्मार्ट। तो भीड़ बड़ी सारी है ना इधर, निकल रहे किसने बोला। तो गाइस हमारे कुछ सब्सक्राइबर हमसे ऑटोग्राफ मांग रहे हैं। क्या बात है यार, क्या बात है, क्या बात है गाइस। आयो गाइस आपको मैं अपने सब्सक्राइबर दिखाता हूँ, निकाल हाथ निकाल, अब ऑटोग्राफ चाहिए, ऑटोग्राफ चाहिए, करो हाथ करो हाथ, थोड़ा लिखो भी कुछ, वही बाद में लिख देंगे भाई, आगे से हट, कंटेंट कंटेंट कंटेंट, कैमरा ऐसे पूरा पकड़,
आप जैसे देख सकते हैं गाइस, देख सकते हैं आप, लड़ाई शुरू हो गई, लड़ाई शुरू हो गई। दर्शक देखिए, दर्शक देखिए, दर्शक देखिए गाइस, ये लड़का इसके लिए, ये लड़का गाइस इसके लिए, ये लड़का गाइस, दर्शक ओ गाइस, ये बंदा देखो इतना, इसके हाथ में देखो क्या क्या पकड़ा है, क्या क्या ड्रेस, देखो ड्रेस, देखो बंदे की 2000 का सूट लगाया है, 5 रुपए देकर राजी नहीं है, देख लो भाई, देख लो, ये बंदा बोल रहा है, इन्होंने नहीं दिया गाइस, देखो गाइस, देखो ये 1 लाख का ड्रेस लगाया है और 5 रुपए देकर राजी नहीं, और ये बंदा देखो 150 की शर्ट लगा के 10 रुपए दे गया। अभी हम निकल गए वहाँ से, थोड़ा सा हमने प्रसाद लिया था वहाँ से, अब हम निकल रहे हैं, मैं बिल्कुल चलो, मेरे साथ कोई भी नहीं है, तो थोड़ा सा राइड वाइड करेंगे, चलते हैं, बाकी मुझे बहुत ज़्यादा प्यास लग रही, बाकी बोरी अपनी बाइक डालते हैं यहाँ से, बाइक बहुत ज़्यादा गंदी हो चुकी है हमारी, इसको थोड़ा सा चमका देंगे, इधर दूर में खड़ी होकर की हालत खराब हो जाता है। साढ़े 300 पावर स्कैनर ये वाला ही है, ये कितना तेल पिएगी मेरी जान, थी मेरा जेब खाली कर देती है, तो इतनी देर तेल डालने
कट मार के निकाल सकते हैं अंदर होते तो ऐसे करके पास से बंदे का फेस घोड़े की तरह क्यों लगता है ये इसको भी देखो दिखा तू भी दिखा नीचे कर ना नीचे कर दे जल्दी कर गाड़ी खत्म हो रही है